morning, students. Today's topic: Guillain-Barré syndromes or Landry's paralysis. It is a disorder in which the body immune attack part of the peripheral nervous system. It is an acute progressive autoimmune inflammatory demyelination of polyneuropathy of the peripheral sensory and motor nerves and nerve roots. Guillain-Barré syndromes एक रेयर या दुर्लभ विकार है जिसमें क्या होता है शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वह अपनी हमारी नर्व सिस्टम पे या नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है जिसके कारण से क्या होता है जो फर्स्ट सिम्टम में जो नर्व्स है मसल्स कमज़ोर जाती है या सुन से नीचे आमतौर से पहला लक्षण होता है ये बहुत संवेदनशील होती है और पूरी बॉडी में ये यानी पैरालिसिस कंडीशन भी डेवलप कर सकती है ये एक गंभीर रोग है गुलेनबेरी सिंड्रोम जिसका ट्रीटमेंट होम पे नहीं हो सकता घर पे नहीं हो सकता इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की उपचार के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है इंसिडेंट्स क्या होता है इसमें 1-2 केसेस पर लेक पीपल एनुअली मैन आर मोर ऑन द हाफ टाइम मोर लाइकली बी अफेक्टेड वुमेन इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ट्रॉमा रिलेटेड पैरालिसिस इन वर्ल्ड द सिंड्रोम नाम ऑफ फ्रेंच फिजिशियन जियोसिस गुलेन एंड जीन अलेक्सिस बेरे एंड स्टोरी हु डिस्क्राइब इज 1916 में पहला है इसमें क्लासिफिकेशन में एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिमाइलिनेशन पोलिन्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन होता है ये ऑटो रेस्पॉन्स अगेंस्ट सेक्वेंट सेल्स यानी ये मोस्ट कॉमन है फॉर्म है जो कि अमेरिका और यूरोप में देखने मिलती है ये मोस्ट कॉमन होता है इसमें साइन होता है जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिमाइलिनेशन पोलिन्यूरोपैथी मसल वीकनेस जो कि स्टार्ट होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऊपर की तरफ फैलता है नेक्स्ट है मिलर फिशर सिंड्रोम्स रेयर वेरिएंट मैनेजमेंट एंड डिसेंडिंग पैरालिसिस यूजुअली इफेक्ट आई मसल्स फर्स्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑप्थल्मेलगिया एटेक्सिया एंड एरिफ्लेक्सिया ऑप्थल्मेलगिया यानी आई की जो मसल्स है पैरालिसिस हो जाती है जो कि होल्ड करती है आई की 6 मसल्स को इसी कारण से आई की जो है पैरालिसिस होती है दूसरा है अटैक्सिया यानी लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग और पिकिंग में ऑब्जेक्ट उठाना और चलने में ये काफ़ी मसल्स कमज़ोर होती है एरिफ्लेक्सिया ये कंडीशन होती है इसमें क्या होता है योर जो मसल्स रहते हैं उसमें कुछ डू नॉट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कोई स्टिमुलाई किस प्रकार की नहीं होती है तीसरा है एक्यूट मोटर एक्जोन न्यूरोपैथी यानी AMAN अमान जिसको बोलते हैं आल्सो नाउ इज चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम और अटैक्स मोटर नोड्स ऑफ रणवीर इट प्रिवेंट इन चाइना एंड मेक्सिको नोड्स ऑफ रणवीर मतलब ये है कि जो दिस इज द गैप्स होता है हमारे माइलिन शीथ के बीच में द एक्सोन्स है आर लेफ्ट अनकवर्ड बिकॉज द माइलिन शीथ इज लार्जली कंपोज ऑफ ऑन द इंसल्टिंग फैटी सब्सटेंस द नोड्स ऑफ रणवीर अलाउ द जर्नल ऑफ द फास्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स अलोंग द एक्सोन एक्सोन्स को जो रोड ऑफ रणवीर है वे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वे देते हैं और जो माइलिन गैप है जो एक्सोन्स और लेफ्ट अनकवर्ड करता है अनकवर्ड रहता है जिसको कहते हैं रोड ऑफ रणवीर अब एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोन न्यूरोपैथी यानी सेमिलर ऑफ एमआर इफेक्ट ऑफ सेंसरी एंड सीरम एक्सोन लेवल्स एमसान मसल वीकनेस होती है सेंसेशन डिफिकल्टी होती है रेस्पिरेटरी अनकंप्रेस होती है एंड एंट्रुएंट डायरिया होता है अब एक्यूट पैरानोटिक न्यूरोपैथी इट इज़ द मोस्ट रेयर गुलेनबेरी सिंड्रोम्स समटाइम्स एक्यूमिनेट बाय इंसेफेलोपैथी फ्रीक्वेंट अकरिंग सिम्टम इंक्लूड इंपेरिंग स्वेटिंग लैक ऑफ टीयर फॉर्मेशन फोटोफोबिया ड्राइनेस ऑफ नेजल ओरल नोस्ट्रिकेसा इचिंग एंड फीलिंग ऑफ स्किन नोजिया डिस्फेगिया कॉन्स्टिपेशन अनड्यूड बाई लैक्सेटिव अल्टरेटिव एंड डायरिया इनिंग नॉन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ लेथार्जी फैटिक हेडेक एंड डिक्रीज इनिटिव आर फॉलोड बाई ऑटोनोमिक सिंड्रोम इंक्लूडिंग ऑर्थोस्टेटिक लाइट हेडनेस ब्लरिंग ऑफ विजन एब्डोमिनल पेन डायरिया ड्राइनेस ऑफ आइज एंड डिस्टर्बेशन मिक्चुरेशन अब पिक स्टॉप एंड ब्रेन स्टीम एनसेफेलाइटिस क्लाटिफाइज क्लासिफिकेशन में इट इज अट्रैक्टेड बाई एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑप्थल्मेलगिया अटैक्सिया डिस्टर्बेशन ऑफ कॉन्शियसनेस और हाइपरफ्लेक्सिया लार्ज इरेगुलर हाइपर इंटेंस लीजन लोकेटेड मेनली इन ब्रेन स्टीम स्पेशली इन द पॉन्स मिड ब्रेन एंड मेडुला आर डिस्क्राइब इन लिटरेचर
क्लिनिक फीचर्स ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ गिलेन-बार सिंड्रोम पेन प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस डिमिनिश रिफ्लेक्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज प्रिकली टिंगलिंग सेंसेशन लो ब्लड प्रेशर पैरासिंथेसिस टेंडरनेस ऑफ मसल्स पेन क्लिनिक फीचर्स डिस्टेसिस एंड मसल स्पॉन्ज पल्पेशंस हार्ट रेट रेंज स्वेटिंग एबनोटीज कार्डिक अरिथमा न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर डिफिकल्टी इन आई मूवमेंट फेशियल मूवमेंट स्पीकिंग चोविंग एंड स्विंग डायग्नोस्टिक यूनिशन में क्या है मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं फिजिकल एग्जाम करते हैं और टेस्ट करते हैं पहले लेते हैं नर्व कंडीशंस यानी NS स्टडीज करते हैं नर्व को देखते हैं इसमें कितनी स्टूमेट करी है कौन सी नर्व रेस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही है दूसरा करते हैं CSF फ्लूइड CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रॉ फ्रॉम द बेटवीन टू वर्टिब्राई इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा ECG के द्वारा देन पुलमोनरी फंक्शन PFT के द्वारा अब एक क्राइटेरिया प्रोग्रेसिव वीकनेस इन लेफ्ट आर्म एरिफ्लेक्सिया फीचर्स ऑफ स्ट्रॉन्गली सपोर्ट डायग्नोसिस प्रोग्रेसिव सिम्टम ओवर डेज फोर वीक सिमेट्री सिम्टम सेंसरी सिम्टम साइन क्रैनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट प्लाज्माफेरेसिस हाई डोज इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी मैकेनिकल वेंटिलेटर पेन कंट्रोल और सुपरडी केयर मेडिकल ट्रीटमेंट में दी जाती है प्रोग्नोसिस क्या होता है आफ्टर स्टार्ट फोर्थ वीक ऑनसेट अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ पेशेंट हैव ए कंप्लीट रिकवर अब नर्सिंग मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इज नॉन स्पेसिफिक एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज नॉन स्पेसिफिक एंड सिम्टोमेटिक ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली एडिक्वेटली रेस्पॉन्स एफर्ट कंटिन्यू ईएजी मॉनिटरिंग सपोर्टिव नर्सिंग मेजर्स इंडिकेट बाय पेशेंट्स डिग्री ऑफ पैरालिसिस रेजिडुअल ऑफ एफर्ट रेयर आर रेयर बट प्रोलॉन्ग फैसिलिटेटेड पैरालिसिस लीड टू मसल्स एट्रोफी रिकरिंग रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी देन दिस टॉपिक इज कंप्लीट गिलेन-बार सिंड्रोम गिलेन-बार सिंड्रोम थैंक यू एवरीवन